ये बात पक्का है कि जो गद्दार है इस पार्टी के अंदर उसको तो समय आने पे हिसाब, बाकी जो ईमानदार है उनको वो इस गट के उस गट को दिल से स्वीकारते हैं, केवल गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये बात सही है, अगर कोई गद्दार है या फिर कोई संगठन के विरोध में काम करता है तो निश्चित रूप से उसको ठीक करना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए। आने वाला चुनाव जो है जिलाध्यक्ष बोलकर जिनकी नियुक्ति हुई है रवि व्यास जी और हमारे यहाँ के नेता आदरणीय नरेंद्र मेहता, इनके नेतृत्व में होना चाहिए। अब रवि व्यास जिला अध्यक्ष है और हम लोग मिलकर साथ में काम करेंगे। नरेंद्र मेहता जी भी हमारे पार्टी के पूर्व विधायक है, नेता है, तो ये जो सारे आगे की जो भी रणनीति है वो सभी मिलकर हम इस शहर में करेंगे। नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड, मीरा भाईंदर। जैसे जैसे महानगर पालिका के आम चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही शहर की राजनीतिक सरगर्मियां तेज होते हुए दिखाई जा रही है। शिवसेना अपनी तरह से पूरा वजूद बनाने में लगी हुई है जबकि कांग्रेस यहां पर पूरी तरह से खामोश दिखाई दे रही है। ऐसे में शहर की भारतीय जनता पार्टी जो दो अलग अलग खेमों में बटी हुई है, इन दोनों खेमों को एक करने के लिए पार्टी के आला लीडरों द्वारा कोशिशें की जा रही है कि दोनों नेता यानी एक्स MLA नरेंद्र मेहता और जिला अध्यक्ष रवि व्यास को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि संगठन के तरीके से यहां पर काम हो। भाजपा आला लीडरों की इस कोशिश की एक कड़ी आज मीरा भाईंदर शहर में दिखाई दी जब भारतीय जनता पार्टी के MLA रविंद्र चौहान भाईंदर पश्चिम के अग्रवाल भवन में आए हैं जहाँ पर एक्स MLA नरेंद्र मेहता ने एक मीटिंग का आयोजन किया था और इस मीटिंग में मीरा भाईंदर शहर के तमाम नगर सेवक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष को भी यहाँ पर बुलाया था। लेकिन जो दूसरा जो खेमा है एडवोकेट रवि व्यास जो जिला अध्यक्ष है उनका, उन खेमे के लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। उनका मानना था कि चूंकि पार्टी का जो काम है पार्टी कार्यालय से होना चाहिए, इसके चलते रवि व्यास के तमाम समर्थक, नगर सेवक, पदाधिकारी इस मीटिंग में नहीं आए। इस अग्रवाल भवन में जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि नरेंद्र मेहता और रवि व्यास दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर बिठाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उस कोशिश पर पानी फिर गया है। आज की हुई इस मीटिंग में क्या हुआ हमने जानने की कोशिश की कुछ नगर सेवकों से, आइए हम उनके पास में ले चलते हैं और बाद में आपको हम बताएंगे कि इस मीटिंग का क्या नतीजा निकला। लोग आएंगे सब साथ में, यहाँ पर आपस में जो एक जो गुड़बाजी चल रही है वो गुड़बाजी कहीं खत्म हो गई ऐसा पता चल रहा था सोशल मीडिया पे, इस तरह के मैसेज वायरल हो रहे थे। तो इस मीटिंग में क्या जिला अध्यक्ष आए थे? जिला अध्यक्ष किसी कारण से आए नहीं, लेकिन कोई गुटबाजी नहीं है। संगठन के हिसाब से मीटिंग लिया गया था, 16 तारीख को प्रोग्राम में संगठन के हिसाब से आके आदेश दिए, सब साथ में रहेंगे 16 तारीख को, सब साथ में रहेंगे। गुटबाजी खत्म नहीं होगी, मतलब गुटबाजी खत्म हो गई, गुटबाजी थी नहीं, हो गई गुटबाजी खत्म हुई की खत्म हो गई, खत्म हो गई हो गई। यहाँ पर जिला अध्यक्ष नहीं आए थे, क्या कहेंगे इस बारे में? जिला अध्यक्ष नहीं आए किसी कारण बस, लेकिन जिला अध्यक्ष और हमारे माजी आमदार सब लोग साथ में रहेंगे। मीरा भाईंदर शहर का जिस प्रकार से पहले नरेंद्र मेहता जी ने विकास किया था, उस विकास को तेजों से गति देकर के अगली बार फिर से महानगर पालिका में अपनी भारतीय जनता पार्टी की कम से कम 95 सीट ला करके अपने नाम वापस जगाएंगे। मेरा भाईंदर भी नरेंद्र, दो चार सीट को शिवसेना कांग्रेस के लिए छोड़ दीजिए ना, क्या करेंगे देख करके, उनको क्या काम है, क्या शहर तो प्रदेश के प्रदेश गया, शहर भी जाने थोड़ी देंगे हम लोग, प्रदेश में लाएंगे, यहाँ भी लाएंगे अपनी सत्ता। एक्स MLA नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए आज उन्होंने जो भाईंदर पश्चिम के अग्रवाल भवन में मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में प्रमुख अतिथि के तौर पर MLA रविंद्र चौहान आए थे। रविंद्र चौहान की मौजूदगी में ही ये मीटिंग हुई है और ये मीटिंग होने के बाद में रविंद्र चौहान, एक्स MLA नरेंद्र मेहता और उनकी पूरी टीम पहली मरतबा भाईंदर पश्चिम के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद थे। यहाँ पर काफ़ी देर तक का तीनों नेताओं में चर्चा हुई है। चर्चा होने के बाद में तीनों ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दी है आज के पूरे इस दिन भर की सरगर्मी को लेकर। आइए हम एक एक करके सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र भी आगे बढ़ने की, भारतीय जनता पार्टी संगठन में आगे बढ़ने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है और हमें सफलता भी मिल रही है। मीरा भाईंदर में भी आने वाले कल में 100% भाजपा और फिर एक बार महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, ये संकल्प सभी कार्यकर्ताओं ने किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी, यहाँ के नेता आदरणीय नरेंद्र
मेहता जी, इन दोनों नेता ने इसके बाद में साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी सभी रणनीतियों में इकट्ठा काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग इस सभी बात को मानते हैं। महानगर पालिका में नरेंद्र मेहता जी ध्यान देते हैं, नरेंद्र मेहता जी हैं, उसके अंदर ध्यान देना चाहिए। आने वाला चुनाव जो है जिलाध्यक्ष बोलकर जिनकी नियुक्ति हुई है रवि व्यास जी और हमारे यहाँ के नेता आदरणीय नरेंद्र मेहता, इनके नेतृत्व में होना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं ने दोनों को भी, दोनों नेताओं के साथ में ये सब चीज़ें आने वाले कल में करनी चाहिए। मैं पूर्ण विराम देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 100% है और 100% रहेगी। धन्यवाद सर। सर सर एक सवाल है कि जैसा आपने बताया कि एक घर में अड़चन होती है, यहाँ पर लीडरशिप किसकी रहेगी, चुनाव में लीडरशिप किसकी रहेगी, बताया हमने। मतलब आज की मीटिंग में क्या तय हुआ है? देखिए, मुझे जो जवाबदारी दी है मुझे वो पूरी ईमानदारी के साथ निभानी है और मुझे अपने कार्यकर्ता पार्टी पे और अपने कर्मों पे विश्वास है कि पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को फिर सरकार में लाऊं और ये जवाबदारी पूरी ताकत के साथ ईमानदारी से बढ़ाऊं और इसको आगे की ओर ले जाएंगे। इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी सेक्रीफाइस करना हो, बलिदान करना हो, करते हुए इस शहर को आगे बढ़ाना ये मेरा उद्देश्य है और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा और संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पहले भी मैंने कहा था कि मैं प्योरली एक पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में पार्टी नहीं छोड़ूंगा और कुछ नहीं। और जो बातें कुछ थी वो ख़त्म हो गई है। अब रवि व्यास जिला अध्यक्ष है और हम लोग मिलकर साथ में काम करेंगे ताकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आज की मीटिंग के दौरान सभी को समझाएगा और अच्छा एक मैसेज यह है और जो भी कार्यकर्ता है उनको अगर मेरे प्रति उनका प्रेम आस्था है तो मुझे पता है कि वो मेरी बातों को स्वीकारेंगे। जब मैंने ये स्वीकारा है तो सभी स्वीकारेंगे क्योंकि पार्टी के बिगैर तो मैं भी शहर को आगे नहीं ले जा पाऊँगा। इस शहर को आगे ले जाने के लिए एक अच्छा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और इसलिए मैंने तब बीजेपी ज्वाइन की थी और एक ही पार्टी पर रहा हूँ। ये आपने देखा है, उतार चढ़ाव कुछ भी आए होंगे, कभी बदलने का मन में ख्याल भी नहीं आया। और जो कार्यकर्ता को आपने कहा कि ये उनके भाव है तो उनके भाव मैंने बदल दिए। अगर उनका मेरे प्रति विश्वास है तो मेरी बातों को समझिए। क्या कहा कि जिला अध्यक्ष पद के उस, तब भी आपने देखा होगा जिला अध्यक्ष पद की नहीं, व्यवस्था में जिस तरह से हुआ था उसको लेके थी। लेकिन खैर, जो बातें हुई उसको भूल के अब आगे जाना चाहिए। अब हमने सबने मान लिया है तो उस बात को लेके आगे बढ़ना चाहिए और इस शहर को आगे बढ़ाना हमारा एकमात्र कर्तव्य। भारतीय जनता पार्टी के दो जिला कार्यालय है, अब दोनों में से कहाँ से सूत्र संचालन होगा आने वाले? नहीं, एक मेरी बात सुनिए, कार्यालय तो भारतीय जनता पार्टी के शहर में बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिला कार्यालय ये है और बाकी जो अगर आप जुने जिला का तो वो भी पार्टी का महत्व का केंद्र है, वहाँ से भी कामकाज होगा, यहाँ से भी कामकाज होगा। सर, एक जो असमंजस की जो एक भाव बना हुआ है कार्यकर्ताओं के बीच में, एक टीम जो थी रविवार से जो खड़ी की है और एक आपकी टीम है, अब वो जो लोग जो कार्यकर्ता है तो उनका जो असमंजस बना वो कैसे? देखिए, मेरी बात सुनिए, दोनों ही गुट के कार्यकर्ता, उनको किसी को भी मन में ख्याल लाने के लिए ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ता भी उतना ही प्यार करूंगा जितने इस कार्यकर्ता को, और रवि व्यास भी उनको उतना ही प्यार करेंगे जो मेरे साथ थे और हम एक दूसरे के। ये बात पक्का है कि जो गद्दार है इस पार्टी के अंदर उसको तो समय आने पर हिसाब, बाकी जो ईमानदार है उनको वो इस गट के उस गट को दिल से स्वीकारते हैं, केवल गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्यकर्ता विटने से, सारे नगर से विटने से, चाहे अभी तो ग्रुप नहीं रहा चाहे उस गट, हमने हमेशा कहा है कि खुदी को बर कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यही होता है कि खुद को इतना बुलंद करो कि भाजपा आपके घर तक आएगी आपको टिकट देने के लिए। तो कार्यकर्ता जो काम करेगा, मैं आपको वापस कहता हूँ, ठोक के कहता हूँ, अगर मेरे साथ जो लोग थे अगर वो सक्षम नहीं रहे उस समय तो उनको टिकट मिलना स्वाभाविक है, नहीं मिलेगा, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो। और लास्ट में अल्टीमेटली पिछले चुनाव में भी देखा हो तो सारा निर्णय जब देवेंद्र फडणवीस जी और प्रदेश अध्यक्ष इनके बीच में चर्चा होके, और उनके पास भी सर्वे होता है, उस सर्वे के हिसाब से ही उम्मीदवार नक्की होते, किसी के बोलने से नहीं होते। नो डाउट के
सपोर्ट एक दूसरे का, एक दूसरे को हो सकता है, लेकिन लास्ट में टिकट तो उसी को मिलेगा जो जीतने वाला हो। मेरे लिए तो बहुत बड़ी जवाबदारी है और मैं उसको निभा पाऊंगा, मुझे विश्वास है, और पिछली बार भी निभाई थी, आगे भी निभाऊंगा और सभी को साथ में लेके इस काम को अंजाम दूंगा। और फिर भाजपा की सरकार इस मीरा भाईंदर में बने सत्ता है, इसका मेरा भी प्रण है और रवि का भी प्रण है। जो यहाँ पर बढ़ चुके ऑलरेडी पूरी टीम बन, वो रवि के साथ बैठ के आने वाले समय के अंदर भी, आज एक दिन में तो सब नहीं होगा ना, आप भी समझते हैं। 16 मई को मीरा भाईंदर शहर में आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए, रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान साहब आए थे, और पार्टी का आदेश था कि पूरी पार्टी को एकजुट होकर इस कार्यक्रम की तैयारी करनी है। तो उसी सिलसिले में चौहान साहब की आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ में मुलाकात थी, सभी नगर सेवक नगर सेविका पदाधिकारी कार्यकर्ते सभी बैठक में उपस्थित थे, और चौहान जी ने सभी लोगों को कहा है कि पार्टी की पूरी ताकत उस कार्यक्रम में दिखनी चाहिए और शहर के अंदर एक अच्छा वातावरण हमारे नेता के आगमन के ऊपर दिखाई देना चाहिए। तो वो बैठक थी, और इस बैठक के अंदर आज हमारे पूर्व आमदार पार्टी के नेता नरेंद्र मेहता जी भी आज जिला कार्यालय में पहली बार उपस्थित हुए थे और अपने सभी कार्यकर्ता समर्थकों के साथ में। तो निश्चित रूप से 16 तारीख का कार्यक्रम बड़ा ही भव्य होगा और पूरी पार्टी एक चेहरे के साथ में उस कार्यक्रम में दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला का वो कार्यक्रम अधिकृत रूप से हम लोगों ने उसका आयोजन नहीं किया था, और उसकी सूचना भी मुझे आज सवेरे ही मिली, और क्योंकि चौहान साहब की भेंट का कार्यक्रम हमने जिला कार्यालय पर आयोजन किया गया था और सभी नगर सेवक नगर सेविका पदाधिकारी जिला कार्यालय में उपस्थित थे, इस वजह से हम लोग उस कार्यक्रम में नहीं गए। तो चौहान साहब ने निश्चित रूप से कहा है कि अध्यक्ष होने के नाते मुझे चुनाव हो या बाकी संगठन की जिम्मेदारी दी गई है, और साथ में नरेंद्र मेहता जी भी हमारे पार्टी के पूर्व विधायक है, नेता है, तो ये जो सारे आगे की जो भी रणनीति है वो सभी मिलकर हम इस शहर में करेंगे। नरेंद्र मेहता जी के बयान के समय मैं वहाँ नहीं था, लेकिन रविंद्र चौहान साहब ने जो बात कही, जब प्रेस को जो बात कही उसमें मैं था, तो जो पार्टी का नेताओं का जो आदेश है वो मानते हैं। मेहता जी पहली बार एक अरसे के बाद में इस जिला कार्यालय पर आज वो उपस्थित हुए, और साथ में उन्होंने हम सब लोगों ने मिलकर साथ में चर्चा भी की, बातें भी की, खुले मन से बातें हुई। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर आप सभी लोग हमें साथ में देखेंगे। ये बात ज़रूर है कि कुछ पदाधिकारी और भी है जो कि संगठन के अंदर शामिल नहीं हुए, आने वाले समय में जो पदाधिकारी जो को हमने संगठन में शामिल नहीं किया है उन्हें भी एडजस्ट किया जाएगा और उन्हें उचित जवाबदारी दी जाएगी। जिला अध्यक्ष होने के नाते जिला अध्यक्ष की जवाबदारी होती है, चाहे वो संगठन की बात हो, इलेक्शन की बात हो, और जो स्थानिक हमारे नरेंद्र मेहता जी नेता है, तो सभी लोग मिलकर उस चुनाव को हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन ये बात सही है, अगर कोई गद्दार है या फिर कोई संगठन के विरोध में काम करता है तो निश्चित रूप से उसको ठीक करना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए। नहीं, आगे पार्टी का सूत्र संचालन कहाँ से होगा? प्रदेश से होगा, मीरा भाईंदर शहर का। हाँ, यहाँ पर दो पार्टी के कार्यालय है, एक मीरा रोड में भी है और दूसरा यहाँ पर भी। वो तो आज आपको नरेंद्र मेहता जी ने भी स्पष्ट रूप से क्लियर कट बता दिया है कि जिस कार्यालय का उद्घाटन आदरणीय देवेंद्र जी के हाथों से हुआ है वही जिला कार्यालय। आपने जो संगठन यहाँ पर बनाया है, आपके कार्यकर्ता समर्थक और आपके साथ वाले जो करीबी नगर सेवक है वो, और जो नरेंद्र मेहता के जो संगठन है या उनके जो समर्थक है, इनमें आपस में अब एक दुविधा बन चुकी है कि अब वो किसके साथ रहे, किसका साथ दे, क्योंकि आने वाले चुनाव में हर किसी की उम्मीद है, अपेक्षा है कि उन्हें टिकट मिलेगा। तो यहाँ से असमंजस और दुविधा और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी आज के बाद से? नहीं, ऐसी कोई दुविधा की बात नहीं है। देखिए, पार्टी का झंडा जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, और कमल का जो चिन्ह है उसी चिन्ह के नेतृत्व में सभी लोग चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी के अंदर अगर जो भी कार्यकर्ता कोई इच्छा रखता है तो पार्टी उसके कार्य के अनुसार, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार उस तरीके पर निर्णय लेती है। तो मुझे कोई लगता नहीं कि कोई भी दुविधा होगी या परेशानी होगी। तीनों नेताओं ने अपने अपने तरीके से दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो दो खेमों में बटी हुई थी, अब वो पार्टी में वो बात नहीं रही है और दोनों खेमे की बजाय अब एक ही खेमा मिलकर काम करेगा, जिसमें नेतृत्व होगा जिला अध्यक्ष रवि व्यास का और साथ देंगे एक्स MLA नरेंद्र मेहता। आज के इस पूरे दिन भर की सरगर्मी से तो कई सारे सवाल जन्म ले रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से ये है कि क्या आने वाले चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर जब बात आगे बढ़ेगी तब
किस तरह से आपस में ये बंटवारा होगा और जो आश्वासन अब तक का, चाहे वो XMLA नरेंद्र मेहता हो या फिर जिलाध्यक्ष रविवास हो, इन दोनों ने जो आश्वासन अपने अपने समर्थकों को, अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को दिया है, क्या उन आश्वासनों की पूर्ति होगी, क्या वो आश्वासन पूरे कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल उन दोनों नेताओं के सामने दिखाई दे रहा है। आखिर में जाते जाते ये सवाल भी मैं आप सबके सामने छोड़े जा रहा हूँ कि आज की हुई इस मीटिंग के बाद में क्या दोनों में जो अंतर्गत गुटबाजी चल रही है वो गुटबाजी खत्म होगी या उन्हें और बढ़ावा मिलेगा, ये इस बात का जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ मुंशी और साबिशेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, धन्यवाद।